जय हिंद दोस्तों, ए टू जेड लाइव में आपका स्वागत है। आज एक फ्रेंड ने मेरा एक क्वेश्चन पूछा था और मेरे मन से भी आया कि ये लॉकडाउन में कई लोग निगेटिव में जा रहे हैं, बहुत ही अंदर तक निगेटिव में जा रहे हैं। उनके आसपास में जो घटनाएं घट रही है, जो आप लोग डेली न्यूज में आ रही है घटनाएं, और डेली लाखों केसेज आ रहे हैं, हज़ारों मौतें हो रही है, और इतनी अंदर तक इन्फिनिटी हो गई, इतनी निगेटिविटी फैल चुकी है, तो इसमें कैसे क्या करें ताकि आपको अच्छे बेनिफिट मिले फ्यूचर में आने वाले 6 महीने साल भर के बाद। तो इसी में मैं एक पॉजिटिव 1% भी आपको ये जीवन में हेल्प हो जाएगा तो ये अगर अच्छा रहेगा। तो चलते हैं वीडियो को, मेरा जो मकसद है वहाँ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो स्टूडेंट है, बल्कि हर एक बंदे के लिए है जो कि एक स्टूडेंट है, 10 साल 15 साल या फिर 60 ईयर्स का ओल्ड कोई पर्सन से, मेन है वुमेन है, सभी के लिए। तो उन लोगों के लिए एक अच्छी पॉजिटिव नज़रिया होना चाहिए। जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो मुझे अभी तक नॉलेज है, वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई गलती होगी तो क्षमा चाहिए। तो अभी आप रो सकते हैं, आप बिल्कुल आप कोस सकते हैं अपने आप को, अपनी ज़िंदगी पर, अपने फैमिली पर, अपने लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों से हटकर आप पॉजिटिव में जाएं, कुछ अच्छा सीख सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, अभी लॉकडाउन हटा नहीं है, तो लॉकडाउन पूर्ण रूप से हटेगा तो आपके पास ये टाइम नहीं मिल पाएगा, ये सीख नहीं पाएंगे। जो मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं, जैसे कि अगर आपने कई लोग को जो होते ही है कमियाँ की पब्लिक स्पीकिंग या कम्युनिकेशन स्किल्स में वो डाउन है, तो सीख सकते हैं। अभी YouTube पर काफ़ी वीडियो जिसके पास है, इसके कोर्स ले सकते हैं आप, वहाँ पर से जाकर सीख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। योगा जो मैं करता हूँ, योगा आप कुछ सीख सकते हैं, विपश्यना मेडिटेशन सीख सकते हैं, या होम वर्कआउट कर सकते हैं। मैंने जो लिया है फ्लिपकार्ट से 1200 रुपये का होम वर्कआउट, आप जिम नहीं जा सकते लेकिन आप अपने फिजिक्स को, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं। कुछ बुक्स हैं जो कि ऑलरेडी आप पढ़ना चाहते थे कई महीनों से, कई सालों से, लोग जो आपके पास टाइम नहीं है, आप उस तरह से फाइनेंशियली बुक्स, पब्लिक स्पीकिंग बुक्स से, कम्युनिकेशन स्किल्स से बुक्स से रिलेटेड, या फिर जो भी सब्जेक्ट आपका अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, जैसे कि मैथ्स किसी का स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंग्लिश नहीं है, साइंस है, अभी आपके पास टाइम है, यू कैन गिव 100% ओवर देयर। आपके पास अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, या फिर पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, या फिर स्टूडेंट है, या फिर आपने कुछ भी, आपके पास 2 से 3 घंटा आप निकाल के इन चीज़ों पर दे सकते हैं, ताकि आने वाले 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको एक अच्छा बेनिफिट और अच्छा रिजल्ट दे सके। मैं उन फीमेल और उन महिलाओं के लिए कहना चाहता हूँ जो अभी कॉलेज पास आउट हुए हैं, या फिर 10th 12th कर करके अभी आप कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो उन लोगों के अच्छा ऑप्शन से आप सिलाई सीख सकते हैं, आप सिलाई सीख सकते हैं, कुकिंग सीख सकते हैं, जो आपका इंटरेस्ट हो वो आप कर सकते हैं। ये सारे चीज़ें मैं ऊपर का 4th में अभी भी कर रहा हूँ, स्टार्टिंग कर रहा हूँ, कुकिंग में कर रहा हूँ, सिलाई आप कर सकते हैं। एट द एंड में वीडियो में कहूँगा, आपकी नज़रिया है, आपकी दुनिया है, जैसा नज़रिया है वैसा ही दुनिया बनेगा। मेरी ये कुछ लाइन है, शायद आपको दिल तक जाएगी, दिल से ये बात मैं बोल रहा हूँ। हम नज़ारे नहीं बदल सकते तो क्या हुआ, हम नज़ारे नहीं बदल सकते तो क्या हुआ, कम से कम हम अपने नज़रिया तो बदल सकते हैं, कम से कम हम अपने नज़रिया तो बदल सकते हैं। तो आई होप ये आपको ये वीडियो 1% भी अगर आपको फ़ायदा हुआ है, तो उन नियर एंड डियर को आप सेंड करें, अपने फ्रेंड को सेंड करें, ताकि उनको कुछ पॉजिटिव हो। और इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।